बैन होने के बाद भी यूट्यूब ने नहीं हटाया ध्रुव राठी का वीडियो। सरकार के आदेश के कुछ समय बाद तक भी ध्रुव राठी का वीडियो यूट्यूब पर रहा ऑनलाइन। लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए यूट्यूब ने वीडियो को भारत में किया प्रतिबंधित। आखिर कौन कर रहा है यूट्यूब के अंदर ही अंदर ध्रुव राठी की मदद? छब्बीस सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम 2021 के तहत 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियोस को ब्लॉक करने का फैसला किया था। 45 वीडियो की उस लिस्ट में यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी एक वीडियो था, पर यूट्यूब ने सरकार के आदेश का पालन नहीं किया। आदेश के काफ़ी देर बाद भी ध्रुव राठी का वीडियो यूट्यूब पर शो होता रहा। सूत्रों का कहना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को यह संदेह है कि यूट्यूब के अंदर ही अंदर कोई ध्रुव राठी की मदद कर रहा है। भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन वीडियो को ब्लॉक करने की जानकारी साझा की थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस के कुछ समय बाद तक भी ध्रुव राठी का वीडियो यूट्यूब पर ऑनलाइन रहा। एनडीटीवी के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने ट्वीट करके ध्रुव राठी के उस वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूट्यूब द्वारा भारत सरकार का आदेश न मानने की चर्चा छिड़ गई थी। हालांकि बाद में लोगों के विरोध को देखते हुए यूट्यूब ने ध्रुव राठी के उस वीडियो को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। ध्रुव राठी ने विवादित वीडियो 11 अप्रैल 2022 को अपलोड किया था। तब उन्होंने इसे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिनने के मुद्दे से जोड़ा था। इस वीडियो में 4 मिनट 41 सेकंड पर राठी ने भारत का एक विकृत मानचित्र दिखाया था। इस मानचित्र में भारत के कुछ हिस्से पाकिस्तान में दिख रहे थे। यही इस वीडियो के भारत सरकार के ब्लॉक लिस्ट में होने की वजह बनी थी। ध्रुव राठी कई मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं, जिसमें राजनीति, विज्ञान, यात्रा और फिल्म जैसे विषय भी शामिल हैं। इस पूरी उठापटक में ये बात खास रही कि YouTube द्वारा वीडियो बैन करने से पहले ध्रुव राठी ने अपने वीडियो को एडिट करके बचने की कोशिश की थी। इस एडिटिंग में उन्होंने विवादित मानचित्र वाले हिस्से को धुंधला किया था। हालांकि राठी की एडिटिंग काम नहीं आई और अंततः YouTube को उस वीडियो को ब्लॉक करना पड़ा।